भक्त कांवड़ संत रजिस्टर द्वारा विशाल शिव कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया। शिव कांवड़ में बाबा की चौकी का आयोजन रखा गया। शिविर में अखिलेश त्रिपाठी, मॉडल टाउन विधायक गुड्डी देवी, निगम पार्षद ओमी परवान, वाड़ा थाना प्रभारी संजय झा उपस्थित हुए। संजय मित्तल, कैलाश चंद्र वर्क वाले, चंद्र प्रकाशित प्रजापति, कैलाश प्रधान और दिल्ली का प्रतिबिंब के मुख्य संपादक सुमित भोज की भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजन लल्ला पहलवान, अशोक पहलवान, प्रेम पहलवान, जी एस भल्ला, उमेश माथुर द्वारा किया गया। ये जो शिविर लगाया गया, इसमें आपके क्षेत्रवासियों का सहयोग मिलता है? हमें यहाँ पे क्षेत्रवासियों के जमींदारों का और यहाँ क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हमें सहयोग करते हैं और हम आगे भी आशा उनसे करते हैं कि वो आगे भी हमारा तन मन धन से हमारा साथ दें और इस शिविर को हम और बड़ा करें। हाँ जी, आपका नाम? आप संस्था के क्या हैं? अशोक पहलवान, और सब साथियों का सहयोग मिलता है, हर साल हम लगाते हैं। सब कावड़ी होगा और सब मेंबर होगा, धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम जीसी दत्ता। ये जो शिविर लगाया गया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मुहैया? इसमें सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा, खाने की सुविधा, शौचालय की सुविधा, पानी की सुविधा, नहाने की सुविधा, सब कुछ हम देते हैं। लेकिन हमने जब से यहाँ संभाला है तब से हमने तरक्की की है और हम चाहते हैं कि जैसे हमारा प्यार बढ़ा हुआ है, हम बढ़ते रहें और आगे हमारा शिविर और बढ़ता जाए। ये शिविर एक ऐसा है जो तिमारपुर में एक बहुत ही नामकारी शिविर है कि ऐसा शिविर कोई और नज़र नहीं आ रहा आसपास में, और निष्पक्ष सेवा करने वाले मुश्किल से ही मिलते हैं। हमने देखा है, हर जगह जाके देख लिया, हर किसी से कह के देख लिया, लेकिन कोई भी MLA या कोई भी अधिकारी उस बात को ऐसे इग्नोर करता है जैसे हम उससे कुछ लोन लेने गए हो। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि दिल्ली सरकार में, जब दिल्ली सरकार के कमल बंसल जी के हाथ में सब कुछ है, MLA के रिकमेंडेड करने के बाद फिर कमल बंसल जी इस बात पे क्यों नहीं अड़ते? वो हमेशा ये क्यों कहते हैं आपका रह गया? क्या पिछले साल की जो हमारी शिकायतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं? केवल MLA बदलता है, कभी फाइलें नहीं बदलती। हमेशा उसमें जो लिखा होता है, जो रिसीविंग होती है, वो 10 साल पहले भी ये कहती है कि हमने ये मांगा था, हमें क्यों नहीं दिया जाता? क्या इस कांवड़ शिविर में या और कांवड़ शिविर में भेदभाव किया जाता है? क्या राजनीति के हिसाब से दिया जाता है? आखिर ऐसा क्यों? ये हमें दुख होता है। हम कांवड़ियों की सेवा और करना चाहते हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि वो हमें इस लायक बनाए कि हम इससे ज़्यादा सेवा कर सकें, ताकि हम इनमें सम्मिलित हो सकें। धन्यवाद। ये शिव भक्ति कांवड़ संघ हमारी जो है, इसको 13 साल हो गए हैं यहाँ करवाते हुए। इसको हमारे अशोक पहलवान जी के मन में भोलों की जिस प्रकार से क्षेत्र में देखा इन्होंने कि इनकी सहायता के लिए रास्ते में कोई शिविर नहीं लगता, तो हमारे अशोक पहलवान जी के मन में ऐसी जिज्ञासा जागी कि क्यों ना हम इस क्षेत्र में भोलों की हम सेवा करें। आज उन्होंने इस धागे को पिरो करके 13 साल में इतना लंबा कर दिया है कि आज इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को अपने साथ जोड़ लिया है और ये एक चैन इतनी लंबी बन गई है कि मैं अशोक पहलवान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने सुंदर तरीके से सबको जोड़ करके जिस प्रकार से इस क्षेत्र में इस कांवड़ शिविर का आयोजन करवाया, इसके लिए मैं अशोक पहलवान जी का धन्यवाद करता हूँ। हर कांवड़िया जो इस सब्जी मंडी घंटाघर क्षेत्र को एक ऐतिहासिक चौक कहा जाता है, जिस प्रकार से अशोक पहलवान जी ने इस ऐतिहासिक चौक पर भोलों के लिए जो ये आयोजन रखा,
इससे हर भोला इतना खुश और इतना प्रसन्न होता है। बस दुख इस बात का है कि इन 13 सालों में हम सभी इनके साथ मिलकर के दिल्ली सरकार के पास भी गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने किसी भी प्रकार से हमारी किसी भी प्रकार से कोई मदद ना की। तो अशोक पहलवान जी ने एक बीड़ा उठाया कि अब इस प्रोग्राम को हम अपने ही बल पे और अपने ही दम पे करके दिखाएंगे, और इन्होंने इसकी स्थापना की और 13 साल हो गए आज जो इस क्षेत्र में मिलजुल करके इस प्रोग्राम को, कांवड़ शिविर की सेवा को सब मिल के साथ करते हैं।